पिछले मॉड वाले वीडियो में तुम लोग को मैंने बताया था कि माइनक्राफ्ट इंडिया को कैसे इंस्टॉल करना है, बट व्यूज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू येलो डॉलर, मतलब व्यूज ज्यादा तो येलो डॉलर और व्यूज कम तो ग्रीन डॉलर। भाई ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में कुछ पांच ऐसे मॉड और माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन को चेंज कर देंगे माइनक्राफ्ट बेटर में। आई नो मैंने इसका पार्ट वन भी बना रखा है, लेकिन पार्ट वन को बाद में जाके देखना अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो। बाकी पार्ट टू में यार मैंने बहुत मस्त मस्त मॉड लिए एंड ये वाले मॉड यार सच में बिल्कुल लैग भी नहीं कर रहे थे एंड बहुत मस्त थे। और यार इसका फन फैक्ट ये है कि इस पे जो यूआई है ना वो मैंने खुद ने बनाई है। तो कौन सा तीर मारा? अरे अरे नाना जी, मैं नूब हूं, मैंने आज तक नहीं बनाई इसलिए बता रहा हूं यार। यार मेरे को ये समझ नहीं आता कि जो लोग क्लिकबेट करते हैं उन लोग को तो भर भर के लाइक आते हैं यार, लेकिन पता नहीं मेरी वीडियो में 1-2 हज़ार पे ही लटक जाते हैं। सो लेट्स एम फॉर 3000 लाइक इन दिस वीडियो। ये वाली वीडियो का लाइक टारगेट है 3000 लाइक का, अगर आ जाएंगे तो यार अच्छा लगेगा। और यार एक लाइक से 500 लोग के सामने ज्यादा रीच बढ़ती है। सो जाओ जाकर लाइक कर दो, बस एक बटन को क्लिक ही तो करना, जाने की भी जरूरत नहीं है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अपन को माइनक्राफ्ट में बेटर यूआई लगाना है जो कि मैंने खुद ने बनाई है, बहुत गंदी दिखने वाली है अभी तुम लोग को। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं, तुम लोग को इसे इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट कैसे करना मैं आखिरी में बताऊंगा। उसके बाद ग्लोबल रिसोर्सेज में तुमको ढूंढना है माइनक्राफ्ट जावा यूआई नहीं बेटर यूआई, मैं क्या बोलता रहता है। ओके इसे यहां पर जाना है और यहां पर इसे एक्टिवेट कर देना है और उसके बाद आपको बैक में क्लिक कर देना है। ये यहां पर लोडिंग रिसोर्सेज हो रहा है एंड ये देखो भाई भद्दी दिख रही है कितनी। कोई बात नहीं यार, मैं इसको अगली बार इंप्रूव कर लूंगा क्योंकि मैंने अभी पहली बार बनाई है इसलिए मेरे को आता नहीं है। बाकी हां यार ठीक ठाक सी दिख रही है। उसके बाद आपको यहां पर प्ले वाले बटन में क्लिक करना है, जैसे ये तो दिख रही है तुम लोग को, यहां पर प्ले वाले बटन में क्लिक करना है और कोई न्यू वर्ल्ड बनाना है। न्यू वर्ल्ड में आप लोग को पांचों चीज रिसोर्सेज पैक में एक्टिवेट कर देना है, बड़ी चीज को हमेशा ऊपर रखना, फिर बिहेवियर में जाना है और बिहेवियर में सेम टू सेम मैसेज करना है, बड़ी वाली चीज को हमेशा ऊपर रहने देना। और फिर आप लोग को जाना गेम्स वाले ऑप्शन में और यहाँ पर ये जितने भी एक्सपेरिमेंट है सबको ऑन कर देना यार, अगर ये नहीं करोगे तो चलने ही नहीं वाला। ये सब चीज को ऑन कर देना फिर क्रिएट कर देना। तो हमारे फर्स्ट वाले मॉड का नाम है कस्टम डेथ एनिमेशन। अब यार तुम लोग जितने भी मॉब को मारोगे ना यहाँ पर उनके कस्टम डेथ एनिमेशन दिखेंगे। तो मैं सबसे पहले इन्वेंट्री से कुछ मॉब को निकाल लेता हूँ। वैसे मेरे को एक साथ बात समझ नहीं आती कि इन्वेंट्री में मॉब कैसे रहते हैं, रियल लाइफ में तो होता नहीं ऐसा। कभी स्केलेटन भी जेब में रहता है? स्केलेटन चीचा तुम्हारी तो मौत आई है। और देखो जल के मरने से पहले, ओ भाई ये देखो क्या खतरनाक दिख रहा है, देखा ना ये वाले मॉड का कमाल, क्या खतरनाक दिख रहा है भाई। रात के समय देखिए जहां तो मर ही जाऊंगा। छोटा ज़ॉम्बी हाथ में देखो भाई बीफ पकड़ लिया, व्हाट ये क्या लॉजिक है भाई, छोटे ज़ॉम्बी को मारा इसका शरीर बड़ा हो गया। वाह भाई कोई जिंदा रहने के समय बड़ा रहता है, ये मरने के बाद बड़ा हो गया। ये देखो भाई क्या हो अगर कि झाड़ के नीचे तुम लोग खड़े हो और एकदम से तुम्हारे ऊपर पत्तियां गिरने लगे। हाँ भाई किसी से प्यार हो गया ये मत समझने लग जाना। जोक को रखते हैं पेड़ के ऊपर, हाँ पेड़ के ऊपर क्योंकि पेड़ के ऊपर से पत्ती गिरने वाली है। ये वाले मॉड का नाम है बेटर फॉलिएज और बेटर फॉलिएज के अलावा इसका कुछ और नाम भी है। और यार यहाँ पर तुम लोग को पेड़ से पत्तियां गिरते दिखेंगी। अभी गिर क्यों नहीं रही है? ओ गिर रही है, ये देखो क्या मस्त दिख रहा है भाई, ये बहुत मस्त दिखता है। तुम लोग को जब तुम इन गेम देखोगे ना तो मजा आ जाएगा भाई। अब ये रेंडर ड्रैगन के चक्कर में अच्छे शेडर नहीं है, नहीं तो शेडर वाले मस्त रहते ना तो मजा आ जाता भाई। आय हाय मेरे पीछे पत्तियों की बारिश का मस्त दिख रही है। अब लगभग पूरा जंगली माहौल तो होने लग गया है, क्या मतलब क्रिंज यूट्यूबर्स की जरूरत है। देखो किसी को क्रिंज नहीं बोलना चाहिए, सब लोग अपना पेट चलाने के लिए लोगों को क्लिकबेट करते हैं। हाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ तुम लोग समझ गए। और ये वाला जो मॉड है इससे तुम लोग के यहाँ पर बहुत सारे अलग टाइप के मॉब आ जाएंगे और ये मॉड कुछ ज्यादा ही अच्छा है भाई। मतलब अगर तुम लोग सर्वाइवल में चले गए ना तो भाई ये बत्ती घुमा घुमा के मारेंगे तुमको, ओ भाई बत्ती घुमाने की बात छोड़ो, ये बंदा खुद घूमने लग गया मेरे साइड में, देखो भाई ये घूमर 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 कर रहा है। अरे मेरे को ये कौन से सस्ते नशे मिल गए भाई, ये मैंने कौन सी बीफ खा लिया यार, मैं क्यों खाया यार, ये पता नहीं कौन से सस्ते नशे है भाई, पूरा दिमाग हिल गया मेरा। हाँ तो फाइनली जाके वो सस्ते नशे खत्म हुए। और ये आर्मर देखो भाई, ये आर्मर बहुत खतरनाक है। और ये कौन सी बोट है एकदम काली कलर की दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर काई लग गई थी बोट के ऊपर। बाय द वे यू गाइस कैन चेक इट आउट माय डिस्कॉर्ड सर्वर क्योंकि मेरा गॉड स्पंकी नेटवर्क जल्दी रिलीज होने वाला है एंड यार एक मंथ या फिर कुछ वीक के अंदर वो रिलीज हो जाएगा। और अगर तुम उसे मिस नहीं करना चाहते तो जाओ जल्दी डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करो, अगर डिस्कॉर्ड ज्वाइन करोगे तो पता भी नहीं चलने वाला तुम्हें कि कब वो रिलीज हो गया। नाउ जो हमारा नेक्स्ट वाला मॉड है उसके बारे में बहुत लोगों को पता होगा, ये वाला मॉड भाई है न्यू प्लेयर एनिमेशन और ये 1.19 में अभी तक काम नहीं कर रहा था, मतलब कि पता नहीं क्या ग्लिच हो रहा था इस पे, लेकिन अब ये काम कर रहा है और अब तो भाई बिना लैग के काम कर रहा है। ये 1.18 में थोड़ा लैग कर रहा था लेकिन अब ये लैग नहीं कर रहा। और ये देखो भाई हमारा कितना मस्त तरीके से चल रहा है प्लेयर। यार सर्प शेडर में जो नया वाला ना ये कितना मस्त दिख, ऐसा लगता है कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा हो जो कि काफी मस्त दिखता है।
तुम्हें इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। इसकी भी लिंक मेरी साइट में मिली जाएगी। नाउ बात ये आती है कि ये पूरे मॉड्स को अपने फोन में और अपने माइनक्राफ्ट में इंस्टॉल कैसे करना है, तो ये वाली स्टेप को एकदम ध्यान से देखना अगर आप लोग को नहीं आता है तो, या फिर आता है तो आप आउटरो पे स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहले फाइल को साइट से डाउनलोड कर लेना और उसके बाद आप लोग को इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक एरो वाला बटन दिखेगा, इस पे क्लिक करोगे तो माइनक्राफ्ट में इंपोर्ट हो जाएगा। आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, साथ ही अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर देना जिन्हें माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में अच्छे अच्छे मॉड खेलने होते हैं। और यार लाइक कर ही देना यार, क्योंकि मैं कभी क्लिकबेट नहीं करता लेकिन पता नहीं कोई लाइक ही नहीं करता, मतलब कि लाइक नहीं करोगे तो भाई रीच कैसे बढ़ेगी। तो 3000 टारगेट है इसका, टारगेट ये क्या होता है, टारगेट है तो उसको करा देना, और साथ ही यार सब्सक्राइब कर देना। और यार एक चीज तो बताना भूल ही गया, सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड फर्स्ट आ गया, जाओ जाके देखो अगर तुम्हें अभी तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं आई हो तो, जाओ जाके देखो जल्दी। एंड अगर माइनक्राफ्ट खेलना है गॉड इज मंकी नेटवर्क पे तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।